हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, तो आज हम लोग फंक्शन का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है बाइनरी ऑपरेशन। तो टॉपिक है आज का बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो बाइनरी का क्या मतलब होता है? बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब? वैसा ऑपरेशन जो दो के बीच में ऑपरेशन करे, दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन करे, वैसे ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, है कि नहीं? वैसा ऑपरेशन जो दो के बीच में होता है, जैसे a प्लस बी हो गया, तो ये जो प्लस है, एडिशन जो ऑपरेशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? बाइनरी ऑपरेटर है। तो ये सब चीज हम लोग कंप्यूटर साइंस में आगे पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में आगे हम लोगों को पढ़ना है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। फिलहाल हम लोगों का काम है कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो फंक्शन के बारे में सब कोई जानता है कि नहीं? बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन जिसको कि हम स्टार से डिनोट करते हैं, यह भी एक फंक्शन है जो होता है किधर से किधर, ए क्रॉस ए से होता है ए के तरफ। फंक्शन की तरह जैसे फंक्शन ए से बी के तरफ होता है, फंक्शन जब हम फंक्शन का बात करते हैं तो फंक्शन है एफ जो होता है किधर से किधर, ए टू बी, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन भी एक टाइप एक फंक्शन ही है जो हो रहा है किधर से किधर, ए क्रॉस ए सेट से किधर हो रहा है, ए के तरफ, है ना? तो ए क्रॉस ए सेट से ए के तरफ हो रहा है, इसका मतलब इनपुट जो होगा वो क्या होगा? ए क्रॉस ए का एलिमेंट होगा। तो ए क्रॉस ए का क्या मतलब? किसी दो एलिमेंट को ऐसे लेना। ए क्रॉस ए का क्या मतलब? कलेक्शन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स। तो इनपुट होगा ए क्रॉस ए का और आउटपुट बिलोंग करना चाहिए किस सेट से? ए सेट से। अगर ऐसा होता है तो वैसे ऑपरेशन को हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है? सो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए से किधर हो रहा है? ए के तरफ हो रहा है। मतलब ए सेट से किसी दो एलिमेंट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में जो आउटपुट आएगा वो उसी सेट से अगर बिलोंग कर रहा है तो वो ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है? एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे मान लो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है? अब इस पर ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है वो बाइनरी होगा या नहीं होगा? कोई दो लो और उसका सम, ऑपरेशन का नाम एडिशन, कोई भी दो लेंगे और जब उसको हम ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या इससे आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन यहां पर नहीं है। सब्ट्रैक्शन ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 - 2 - 1 होता है कोई भी दो लेने से। ऐसा नहीं कि 3 - 1 लिए 2 आ गया तो हो गया, एक केस में हो गया मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं। कोई भी केस में, हर केस में होना चाहिए। कोई भी केस कहने का यहां मतलब है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उसी सेट से बिलोंग होना चाहिए। तो ए क्रॉस ए से ए के तरफ हो रहा है, इसका मतलब इनपुट ए क्रॉस ए का होगा, है कि नहीं? और आउटपुट हमेशा किस सेट से बिलोंग करेगा? ए सेट से, ठीक है? फिर मल्टीप्लीकेशन, तो 1 × 2 × 5 = 10 नहीं है तो वो भी नहीं होगा। फिर डिवीजन का बात अगर करते हैं तो 1/2 ये भी नहीं होगा। तो इस सेट के लिए एडिशन, इसमें से कोई भी ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी। मिनिमम ऑफ क्या? ए एंड बी। तो फिर क्या होगा? ए और बी हम ले रहे इसी में से, इसमें से जब किसी दो एलिमेंट को लेंगे तो उस दोनों का जो मिनिमम होगा
वो तो उसी दो में से होगा। अगर हम दो एलिमेंट सपोज ए और बी सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो मिनिमम होगा ए और बी का वो कोई या तो ए होगा या फिर बी होगा, मतलब वो हर हाल में किस सेट से बिलोंग करेगा, ए सेट से ही बिलोंग करेगा, है कि नहीं। तो ये जो ऑपरेशन है मिनिमम ऑफ ए एंड बी, दिस इज द बाइनरी ऑपरेशन। आया समझ में? कहने का मतलब कोई ऑपरेशन किसी सेट ए के लिए बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब उसमें से किसी भी दो एलिमेंट को लेने पर जो रिजल्ट आउटपुट आएगा वो आउटपुट अगर उसी सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि वैसा ऑपरेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर केस में सेटिस्फाई कर गया तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। जैसा कि यहां पर अगर हम देखें एडिशन ऑपरेशन के लिए तो 1+2 3 होता है, 3 तो है इसमें, लेकिन क्या 1+5 6 इसमें है? नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन 2-1 1 वो तो है, लेकिन 1-2 क्या है? नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। लेकिन यहां तुम देख लो, यहां कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लें तो जो रिजल्टेंट होगा मिनिमम जो होगा उस दोनों का वो हमेशा इसी सेट से बिलोंग करेगा। इसलिए इस सेट के लिए ये जो ऑपरेशन है ए स्टार बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। आया समझ में? यानी बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है। अगर डेफिनेशन का बात करें बाइनरी ऑपरेशन का, सो इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ए क्रॉस ए से किधर हो रहा है? ए के तरफ, फुल स्टॉप। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, जनरली डिनोटेड बाय स्टार या ऐसे सर्किल के अंदर डॉट, सर्किल के अंदर प्लस एटसेट्रा। यहां एफ जी एच ना लिख के, जनरली हम लोग फंक्शन में क्या लिखते हैं? एफ जी एच लिखते हैं, लेकिन यहां एफ जी एच ना लिख के हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टार सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं, तो ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है। दैट इज स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, सच दैट जो किधर से किधर हो रहा है, ए क्रॉस ए से किधर होगा? ए के तरफ। अगर इसका हम वेन डायग्राम खींचे तो ये हो गया ए क्रॉस ए, ये कौन सा सेट? ए क्रॉस ए, और ये कौन सा? ए फंक्शन हो रहा है स्टार, फंक्शन का नाम स्टार है, जो ए क्रॉस ए से किधर हो रहा है? ए के तरफ हो रहा है। आया समझ में? तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। उम्मीद था समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेट के लिए कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब उसमें से कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लेते हो और जो रिजल्टेंट होगा अगर उसी सेट से बिलोंग करे तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल एक और देखो, रियल नंबर सेट पर, ठीक है। रियल नंबर सेट पर एडिशन ऑपरेशन का अगर बात करो तो रियल नंबर में से किसी भी दो नंबर को सेलेक्ट करो, जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? उसी सेट से बिलोंग करेगा। सब्ट्रैक्शन करो, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी सेट से बिलोंग करेगा। मल्टीप्लीकेशन करो, उसी सेट से डिवीजन करो, उसी सेट से बिलोंग करेगा। यानी रियल नंबर सेट के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? डिवीजन जो है वो कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है। आ रहा है समझ में कि नहीं? नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है, तो फिर ये समझ लो कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जीरो से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 1/0। देखो यहां हर केस में हो रहा था, लेकिन यहां जीरो वाला केस क्या हो गया? 1/0। जब जीरो आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड हो जाएगा और वो रियल सेट में नहीं होगा, इसलिए डिवीजन ऑपरेशन यहां पर नहीं है। दूसरा देख लो, नेचुरल नंबर सेट के लिए अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर सेट के लिए एडिशन, किसी दो नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा तो होगा। सब्ट्रैक्शन, किसी दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही आए, माइनस में भी आ सकता है इंटीजर, है कि नहीं। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे दो नेचुरल नंबर का तो नेचुरल नंबर ही आएगा, और जब डिविजन करेंगे तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इसलिए नहीं है। तो रियल नंबर सेट के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन ये दोनों कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है। जबकि नेचुरल नंबर सेट के लिए
नेचुरल नंबर सेट के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों का चारों जो है वो क्या है, बाइनरी, सॉरी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सो लास्ट बार हम बोलना चाह रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन के बारे में कि किसी भी सेट के लिए कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन तब कहलाएगा जब उस सेट से किसी भी दो एलिमेंट को लेने पर और वो पर्टिकुलर ऑपरेशन करने पर जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट अगर उसी सेट से बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ऐसा किसी भी एक केस में मिस किया कि नहीं उस केस में नहीं अगर हो रहा है तो हम कहेंगे वो ऑपरेशन बाइनरी नहीं है। जैसे रियल नंबर केस के लिए डिविजन का बात करो, हर बार सिर्फ जीरो को अगर भुला दिया जाए, जीरो डिनोमिनेटर में अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी नंबर लाओ तो उसी सेट से बिलोंग करेगा, परंतु जीरो अगर आ गया डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड हो गया। सिर्फ एक जीरो के कारण उतने केस को सेटिस्फाई किया, सिर्फ एक जीरो वाला केस को नहीं सेटिस्फाई किया, इसलिए ये जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कौन सा ऑपरेशन? डिवीजन ऑपरेशन। किस सेट पर? रियल नंबर सेट पर। क्लियर है? तो हमने अभी बात किया कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है और बाइनरी ऑपरेशन को कैसे डिनोट करते हैं। तो इस सिंबल का क्या मतलब हुआ कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो किधर से किधर हो रहा है, ए सेट से ए सेट की तरफ। क्लियर है? चलो अभी दूसरा पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट है जहां पे हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, तो हम लोग उसको देखते हैं कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा और कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, सो नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। अभी हमने कहा बाइनरी ऑपरेशन किधर से किधर हो रहा है, होता है ए क्रॉस ए से किधर होता है, ए के तरफ, ए क्रॉस ए से किधर होता है, ए के तरफ। फंक्शन में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि अगर ए सेट है और ये बी सेट है, फंक्शन हो रहा है ए टू बी, इसके पास एम एलिमेंट है, इसके पास कितना एलिमेंट है एम, और इसके पास कितना एलिमेंट्स है एन एलिमेंट्स, है ना। तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना होता है, नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कितना, एम टू दी पावर एन टू दी पावर एम। क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन को डोमेन होल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर अगर मान लिया जाए कि फंक्शन हो रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है किधर से किधर, ए क्रॉस ए से हो रहा है किधर, ए की तरफ। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए इफ एन ए इक्वल टू पी है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर p है तो a क्रॉस a में कितना एलिमेंट होगा, p स्क्वायर एलिमेंट होगा, p क्रॉस p, और a सेट में p एलिमेंट है, तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, तो p टू द पावर कितना, p स्क्वायर। इसलिए नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू कितना, p टू द पावर कितना, p स्क्वायर, p के पावर में कितना होगा, p स्क्वायर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन होल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो यहां भी वही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन होल टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन। तो ये बात हुआ किसका, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टाइप होता है, किस किस टाइप का बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, इतना उतारो। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, जिसमें पहला है कम्यूटेटिव, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, तीन तरह का ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन।
पहला देखते हैं कम्यूटेटिव क्या होता है। तो कम्यूटेटिव में अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन कितना हो, ए हो, यानी ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन और बी और ए के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अगर सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि वो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अगर ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए तो ये जो स्टार जो भी है बाइनरी ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे रियल नंबर सेट पर, रियल नंबर सेट पर अगर बात करें, किस पर, रियल नंबर सेट पर, अगर रियल नंबर सेट पर एडिशन ऑपरेशन का बात करें तो a प्लस बी को ऐड करो या b प्लस ए को ऐड करो दोनों सेम आएगा। यानी रियल नंबर सेट पर एडिशन कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है, और उसमें भी बाइनरी में भी कैसा है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि a प्लस बी को ऐड करेंगे और b प्लस ए को ऐड करेंगे तो सेम होता है। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि रियल नंबर सेट पर सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, परंतु कम्यूटेटिव बाइनरी नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 सेम नहीं होता। तो रियल नंबर के सेट पर एडिशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, जबकि बाइनरी ऑपरेशन है। रियल नंबर सेट पर एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन है और सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन उसके बावजूद वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, एसोसिएटिव क्या होता है, अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन कितना सी, तो एसोसिएटिव हो जाएगा। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू, अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी हो तो वो जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, अगर इफ ए, यहां दो ऑपरेशन है बाइनरी, ए स्टार बी अनदर बाइनरी ऑपरेशन सी, ठीक है, यहां पर दो बाइनरी ऑपरेशन, एक स्टार और एक डॉट इनसाइड सर्कल, सो दिस इज इक्वल टू ए स्टार बी अनदर बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार सी, ए स्टार कितना सी। अगर ऐसा है तो वो जो ऑपरेशन होगा, यहां स्टार जो है वो इसके ओवर, स्टार जो है वो इसके ओवर, स्टार बाइनरी ऑपरेशन, ये बाइनरी ऑपरेशन इसके ओवर कहलाएगा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर ए स्टार बी अनदर बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू, अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इस वाले बाइनरी ऑपरेशन के ओवर में डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, आया समझ में, तो फिर से एक बार देखते हैं, स्टार कोई ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए स्टार बी का वैल्यू और बी स्टार ए का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम हो। जैसे रियल नंबर सेट पर एडिशन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, साथ ही कम्यूटेटिव है। रियल नंबर सेट पर सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए का वैल्यू सेम नहीं होगा। ठीक उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव में ए बाइनरी ऑपरेशन बी अनदर बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए स्टार बी अनदर बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार सी। अगर ऐसा है तो स्टार वाला बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर, इसके ओवर में डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। अब अगला पॉइंट है आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फिर इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, इस पे बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, अगर एक सब्जेक्टिव आ गया तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही। बहुत तो बच्चों को ये लगता है कि नहीं बिना पढ़े ही बन जाएगा, हाँ ऑब्जेक्टिव जनरली बन जाता है बिना पढ़े भी, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं बनता है। तो अब हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कहता है कि मान लिया जाए,
लेट ए स्टार, एक बाइनरी ऑपरेशन, लेट ए स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ठीक है। ए स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है सेट पर, ठीक है। अब कोई एलिमेंट उस ऑपरेशन के लिए उस सेट पर, इस सेट पर बात करें, सेट भी फिक्स है ए सेट और ऑपरेशन क्या है स्टार, तो कोई एलिमेंट ई, क्योंकि ई हम से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को, ठीक है, ई से डिनोट करते हैं, एन एलिमेंट ई, एन एलिमेंट ई इज सेट टू बी, सेड टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन सेट ए फॉर ऑपरेशन, फॉर ऑपरेशन स्टार इफ ए बाइनरी ऑपरेशन ई, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशन ए। अगर ए का ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया जाए तो हमेशा कितना आए, ए ही आए। जैसे जैसे मान लो सेट है हमारा, सेट है रियल नंबर, सेट क्या है रियल नंबर, रियल नंबर का सेट है, ऑपरेशन हमारा क्या है एडिशन, एडिशन है, सेट है रियल नंबर, ऑपरेशन है एडिशन, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट ई बराबर कितना होगा, जब जोड़ेंगे तो भाई क्या जोड़ेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, जीरो। अगर ऑपरेशन है, अगर ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, तो उस केस में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, वन से। यहां कह रहा है कि ए स्टार ई बराबर है, मतलब उस आइडेंटिटी एलिमेंट से उस सेट के किसी भी एलिमेंट में अगर मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आएगा, आया समझ में। तो हम देख रहे हैं कि रियल नंबर सेट पर बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जीरो, क्योंकि अगर हम जीरो को ऐड करेंगे ए प्लस जीरो बराबर ए होगा, जीरो प्लस ए बराबर भी ए ही होगा, तो रियल नंबर सेट पर एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है जीरो है, और रियल नंबर सेट पर मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है वन है, क्लियर है। अब है इसमें इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट किसको कहते हैं, आइडेंटिटी तक तो समझ गया, आइडेंटिटी तक जो समझ गया वो इनवर्स भी समझ जाएगा। तो मान लेते हैं लेट ए स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, एंड लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द सेम, एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार, स्टार ऑन सेट ए, ऑन सेट ए, ठीक है। ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यहां पर फिर क्या कहता है कि अब एक एलिमेंट एन एलिमेंट बी, एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। इसका क्या मतलब, कोई एलिमेंट जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, वो इन्वर्टिबल तब कहलाएगा जब, इफ एन एड इफ, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। आइडेंटिटी एलिमेंट तक का कहानी तो सबको पता था, तो मान लिया कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जो सेट ए पर एप्लीकेबल है, और मान लिया कि ई जो है वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, स्टार ऑन सेट। अब
कोई एलिमेंट उस सेट का कोई उसी सेट का कोई एलिमेंट ए वो इन्वर्टिबल होगा, मतलब उस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कोई इन्वर्टिबल है मतलब फंक्शन में भी पड़ा है, कोई इन्वर्टिबल है इसका मतलब कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब वो इन्वर्टिबल है, जिसका इनवर्स निकलने के लायक है। तो कोई एलिमेंट ए उसी सेट का कोई एलिमेंट ए इन्वर्टिबल तब कहलाएगा जब उसी सेट में कोई और दूसरा एलिमेंट बी वैसा हो कैसा हो, तो जिसका जिसके लिए ए स्टार बी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो और दैट इज इक्वल टू बी स्टार ए। जैसे सेट मान लो रियल नंबर, सेट क्या हो गया रियल नंबर, ठीक है। अब इसमें सेट जब रियल नंबर है, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जो है वो एडिशन मान लो, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा जीरो। तो अगर ए इज इक्वल टू मान लो टू है तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस टू होगा, है कि नहीं, माइनस टू भी तो रियल सेट में है। अगर ए इक्वल टू हाफ है तो ए इनवर्स बराबर कितना होगा माइनस हाफ होगा। लेकिन अगर ऑपरेशन का नाम मान लो मल्टीप्लीकेशन है, e बराबर कितना होगा वन, और अगर a यहां पर अगर इफ a इक्वल टू टू है तो a इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाई टू, क्योंकि a इंटू a इनवर्स, a इंटू a इनवर्स क्या होना चाहिए e के बराबर, तो a का वैल्यू टू है तो a इनवर्स हाफ होगा, तो टू इंटू हाफ बराबर कितना वन, दैट इज e। तो डेफिनेशन हमने क्या लिखा, आइडेंटिटी जिसको पता है वो वही कहानी यहां भी है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए एंड लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए। अब अगला कहता है एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए सेट इफ इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी ए सच दैट इतना इक्वल इतना, देन आगे भी लिख लो, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, बी इज कॉल्ड वॉट इनवर्स ऑफ ए, दैट इज B इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो B जो होगा उस केस में वो A का क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा, और जिसका एग्जाम्पल हम लोग यहां पर लिए हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया कि अगर सेट रियल नंबर है और अगर ऑपरेशन एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा, और उसी सेट के लिए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा वन, तो अगर A बराबर टू है तो उसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा माइनस टू, क्योंकि एड होना चाहिए जीरो के बराबर। ए का वैल्यू हाफ है तो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा माइनस हाफ। वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में अगर ए बराबर टू है तो ए इनवर्स कितना होगा हाफ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए वन आना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या देखा, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट के बारे में देखा। अगला जो पॉइंट है वो है कंपोजिशन टेबल, क्या है कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशनल टेबल, दोनों के नाम से है, अलग अलग बुक में अलग अलग यूज करता है, कंपोजिशन टेबल या फिर ऑपरेशनल टेबल, ये क्या होता है तो उसको देखते हैं हम लोग, कंपोजिशन टेबल या फिर ऑपरेशनल टेबल। कंपोजिशन टेबल या ऑपरेशनल टेबल कंपोजिशन टेबल या फिर ऑपरेशनल टेबल। तो मान लो स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार जो है वो क्या है बाइनलेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इज इक्वल टू, एलिमेंट ले लेते हैं ए वन ए टू डॉट डॉट कितना ए एन, ये एलिमेंट ले लेते हैं। तो फिर कैसे बनता है कंपोजिशन टेबल वो देखते हैं। तो यहां पर ऑपरेशन का नाम स्टार और यहां से आ रहा एलिमेंट ए वन ए टू ये ए एन,
A1, A2, डॉट 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 कहाँ तक? AN तक। वैसे यहाँ भी लिख दिए A1, A2, A1, A2, डॉट 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 कहाँ? AN, ठीक है। सारा एलिमेंट को लिख दिया, सबसे कॉर्नर में ऑपरेशन का नाम, मान लो एडिशन होता तो यहाँ प्लस लिखते, मल्टीप्लिकेशन होता तो इनटू लिखते। अब यहाँ ऑपरेशन क्या, वो तो मेरे को नहीं पता, तो वही सिंबल यूज फिलहाल कर लेते हैं। A1 star A1, यहाँ क्या होगा? A1 star A2, यहाँ क्या होगा? A1 star AN, ठीक है, A1 star AN, यहाँ पर क्या होगा? A2 star A1, यहाँ पर A2 star A2, यहाँ पर A2 star AN, ठीक है। लास्ट में क्या होगा? AN star A1, AN star A2, और यहाँ पर क्या होगा? AN star AN, ठीक है। तो क्या करना है, ऑपरेशन का नाम यहाँ पर, जो भी ऑपरेशन रहेगा, जो भी बाइनरी ऑपरेशन रहेगा, और फिर सारे एलिमेंट को लिख दिया A1 से लेके AN तक, फिर A1 का के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन रहेगा, वॉट एवर बी द ऑपरेशन, वो हमको लिख करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आगे जो है, यही हमारा हो गया कंपोजिशन टेबल इस बाइनरी ऑपरेशन का इस सेट के लिए, ठीक है। अब है एडिशन मॉड्यूलो एन और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन, एडिशन मॉड्यूलो एन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। सो एडिशन मॉड्यूलो एन को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये रिजल्ट क्या देगा? लिस्ट रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय क्या? एन, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन को इस तरह से डिनोट करेंगे, और ये क्या देगा? लिस्ट रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इज डिवाइडेड बाय एन। तो हम देखते हैं एडिशन मॉड्यूलो 5 करते हैं, ए प्लस माइनस कितना? ए प्लस 5b, दिस इज एडिशन मॉड्यूलो 5, एडिशन मॉड्यूलो एन है, तो ये एडिशन मॉड्यूलो क्या हो गया? 5, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो अगर 5 है तो रिमाइंडर क्या सब बच सकता है भाई? 0 से लेकर 4 ही तक ना। ये देखो एडिशन मॉड्यूलो 5 का सिंबल, ऑपरेशन का नाम यहां दे दिए। अब क्या सब बचेगा रिमाइंडर? 0 1 2 3 4, यहां भी 0 1 2 3 और 4, है कि नहीं? अब क्या करना है, इस दोनों को ऐड करेंगे। ये क्या होता है? A1 star A1, तो यहां पर 0, एडिशन मॉड्यूलो 5 0, तो 0 प्लस 0, दोनों को जोड़ेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। तो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0, 5 से डिवाइड करेंगे 0, 0 प्लस 1 1, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 2, 5 से डिवाइड करेंगे 2 3 4, 1 प्लस 0 1, 5 से डिवाइड करेंगे 1 2 तो 2 3 4, 1 और 4 मिलकर 5, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, रिमाइंडर 2 0 2 2 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 3 0 3, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 3 4 7, 4 0 4, 4 1 5, 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, आया समझ में? एडिशन मॉड्यूलो 5, 4 4 8, 8 में 5 से डिवाइड के रिमाइंडर। वैसे सेम चीज यहां भी है, मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ, यहां मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो है, तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो का साइन दो, मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5, तो रिमाइंडर तो यहां भी वही बचेगा ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 से 4, 0 1 2 3 4, यहां भी वही होगा 0 1 2 3 4, ठीक है।
मल्टीप्लाई करना, यहां पर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, पांच से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर लिख रहे थे। यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद पांच से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखेंगे। तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही होगा, तो रिमाइंडर सब में क्या हो गया जीरो। वन को करेंगे वन को जीरो से तो क्या होगा, वन को जीरो से तो क्या होगा जीरो। वन इंटू वन वन, वन इंटू टू टू, वन इंटू थ्री थ्री, वन इंटू फोर फोर, टू इंटू जीरो जीरो, टू इंटू वन टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स में पांच से करेंगे तो वन, टू फोर जा एट, पांच से करेंगे तो थ्री, थ्री जीरो जीरो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स में करेंगे तो वन, थ्री थ्री जा नाइन में करेंगे तो फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व में करेंगे तो टू, फोर जीरो जीरो, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, एट में पांच से डिवाइड करेंगे तो थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व में करेंगे तो टू, और फोर फोर जा सिक्सटीन में करेंगे तो वन। सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो फाइव। ठीक है, तो इस तरह से यही इस पूरे टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, कंपोजिशन टेबल, एडिशन मॉडुलो फाइव, जो भी एडिशन मॉडुलो एन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन। इस तरह से अब आप जाके कोई भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है जिसमें हमको नहीं लगता है कि कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी का हो या फिर जेई में तो क्वेश्चन पूछता नहीं है इससे, तो बीआईटी में पूछता है, बाकी इंडिया के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है सिर्फ जेई मेंस को छोड़ के। तो जिनको बाकी का एग्जाम देना है वो प्लस टू तो देना ही है ऑलरेडी, प्लस टू में पूछेगा, साथ ही जेई मेंस के अलावे हर एक एग्जाम में पूछेगा। बहुत ही आसान टॉपिक, एक बार आप पढ़िएगा आराम से आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम एक घंटा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।